तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने गोल्ड लिमोजिन ले ली थी, जिसमें हम लेने गए थे ऑगी और जैक को। वो आए थे लॉस सेंटोस हमारे मेहमान बनके, और फ्रैंकलिन ने भी ले लिया था एक नया घर। तो हमने ऑगी और जैक को वो नया घर दिखाया, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैंने आपको बोला था कि मैं एक वाटर हाउस भी खरीदने वाला हूँ, तो आपने सबने बोला था कि आपको वो देखना है। तो ये लीजिए वाटर हाउस, आज हम खरीदेंगे जाके वाटर हाउस, और ऑगी और इन सबको भी दिखाएंगे आज अपना वाटर हाउस। तो इतने दिनों बाद वापस अपने कपड़ों में बैठा हूँ भाई। इसमें बिल्कुल सही है, अब से बिल्कुल नहीं पहनूंगा सूट वूट भाई, बहुत गर्मी लगती है। जल्दी ऑगी और जैक सबको लेके चलते हैं, सबको बोलता हूँ तैयार होए। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है GT5 की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और ये है तीनों हमारे मस्त एकदम यहाँ पे मजे कर रहे हैं। ये मैंने एक और नया घर खरीद लिया, आपको पता है मैं इतना अमीर हूँ। तो मैं जिस एक घर में एक बार अगर मैंने रह लिया तो मैं दूसरी बार नहीं जाता, और जो भी गाड़ी एक बार मैं बैठ जाता हूँ वो मैं गाड़ी दूसरी बार नहीं चलाता। इसलिए मैंने नई कार भी ले लिया और नई गाड़ी भी ले ली। मैंने वो गोल्ड लिमोजिन ऐसे ही किसी को दे दिया, ऐसे ही कोई चलते फिरते आदमी को, भाई क्या इतने पैसा है कहाँ जाएगा। तो शिनचैन तैयार है ना चलने के लिए? अरे पिंकी भैया यार, हमको कहाँ चलना है यार, अब इतने ठंडे पानी में नहा कैसे रहा है भाई, कितना ठंडा पानी है ये, और अरे फिर गिर गया, और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। अरे पिंकी भैया ये तो बताओ कहाँ चलना है हमें, अबे देखो बताऊंगा सरप्राइज है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये ऑगी से पुशअप्स के पढ़वा रहा है तू? ओए ऑगी बिल्कुल एक फौजी का भाई है, उसे बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा, तू भी पुशअप्स मार और फिट हो जा। अरे भाई भाई मुझे कोई शौक नहीं है फिट होने का, जल्दी चलो अपन को चलना है। ओए कहाँ चलना है, पहले ऑगी पुशअप करेगा 100 तक, फिर चलेंगे अपन। हाँ करने देना, कितने हो गए? 93 हो गए हैं। ओए जल्दी कर ऑगी, 96 97। अरे हाँ तुम जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, फिर अपन को चलना है, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, जल्दी आ जाओ, जल्दी तैयार होना है। तैसे तैयार तो क्या ही होगे तुम ऑगी, तो ना के आई हो यार, इसे पूरे पसीने में मत आ जाइयो। ओए जल्दी करो, जल्दी ऑगी। तो गाइस अभी सब तैयार हो चुके जाने के लिए, सब ने मस्त एकदम तैयार हो चुके, और ये देखो भाई ये लाया हूँ मैं गाड़ी। अरे पिंकी भैया ये किस कबाड़ी की गाड़ी है? ओए ये तो बिल्कुल कबाड़ी जैसी गाड़ी है। अरे फ्रैंकलिन ये तो बिल्कुल कबाड़ी की गाड़ी लग रही है, बिल्कुल ही घटिया गाड़ी है। अबे घटिया गाड़ी नहीं, गोल्ड की गाड़ी है। अरे पिंकी भैया यार गोल्ड की है तो क्या, कबाड़ी की गाड़ी तो है ना। अबे कितनी बढ़िया लग रही है भाई, मैं जैसे गया मेरे को एक बार में पसंद आ गई भाई, कितनी शानदार लग रही है देखना, एकदम पीछे भी आराम से हो रही है भाई, कितनी गोल्ड की है, और इसमें बहुत सारे जने भी बैठ सकते हैं। लिमोजिन में बैठ सकते थे पर तुमको पता है एक गाड़ी में बैठ गया तो मैं दूसरी बार बैठता नहीं हूँ। तो अभी जैक सब बैठ चुके, बस जैक बाकी था, तो जैक भी बैठ चुका है। अभी तुमको एक और नया सरप्राइज देता हूँ, अभी रुको एक और जनों को बुलाता हूँ। अरे पिंकी भैया यार आप किसको बुलाने वाले हो यार, बताओ ना यार, कोई एक और मेहमान आ गया है क्या? अबे नहीं मैं मेहमान नहीं आया है, रुको भी देखो बताता हूँ, बॉडीगार्ड्स आ जाओ। तो ये देखो आ चुके हमारे बॉडीगार्ड्स, ये हमारे हमेशा साथ रहेंगे ये तीनों, ये एक घर के यहाँ पे रहेगा, दो बाकी हमारे पीछे भी चलेंगे ताकि हमको बिल्कुल फुल सिक्योरिटी मिले। अपने पास गोल्ड की कार है, ये शिनचैन ने बोला था पहले, ये देखो याद है ना शिनचैन? अरे हाँ पिंकी भैया यार मैंने तो बहुत पहले बोला था आपको, अभी तक याद है क्या वो बात? अरे हाँ, और ये ढंग से चला भाई, कैसे चला रहा है ये, मेरे को ठोकेगा क्या? अरे पिंकी भैया यार वो सिक्योरिटी तो करेंगे ना, अपने पीछे पीछे चलाएंगे बिल्कुल। अरे हाँ ऑगी तेरी पूछ बाहर आ रही, थोड़ी सी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हे फ्रैंक नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम चलाओ गाड़ी, मस्त मजा आ रहा है मुझे तो। ठीक है चलते हैं अपन फटाफट से। तो ये जो सरप्राइज है वो है अपना अंडर वाटर हाउस। अरे क्या पिंकी भैया आपने वो खरीद लिया, और ये क्या उड़ाया आपने कारों को, बहुत मजा आया मुझे देख के तो। अरे आपने अंडर वाटर घर खरीद लिया, मुझे बताया भी नहीं। अरे वही तो सरप्राइज था यार, वही तो बताना था। ये गाड़ी देखना मस्त उड़ा देती है, आगे मस्त ये लगा रखा है, ये देखिए पता नहीं क्या चीज़ है, इससे सारी गाड़ियाँ उड़ जाती है। और ये बॉडीगार्ड कहाँ रह गए, अबे कहाँ गए? अरे फ्रैंक तुमने मुझे भी नहीं बताया तुमने अंडर वाटर हाउस खरीद लिया है, ओए इससे तो मुझे भी नहीं बताया, अभी तो तुम तीनों के लिए तो सरप्राइज था पागलों। ओए ठीक है जल्दी चल, मुझे देखना है अंडर वाटर हाउस, बहुत मजा आएगा मुझे अंडर वाटर में जाने में। अरे पिंकी भैया यार मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पानी में, तो यार जल्दी चलाओ यार गाड़ी को, एकदम भगाते भगाते चलाओ। अरे हाँ बस आई गए, देख सामने आई तो क्या पानी अपना। अरे अरे आराम से बिड़ गई ले, जल्दी बॉडीगार्ड जल्दी आओ, तुम इधर ही खड़े रहना, कोई सिक्योरिटी मस्त करो आराम से, इधर कौन आने वाला है। अभी दो बॉडीगार्ड मेरे पीछे पीछे आएंगे पैदल, मैं उनको बुला दूंगा ताकि वो इधर अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी कर सके, वो आते ही होंगे अभी, पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते आराम से। तो ये मुड़ती नहीं ढंग से, बस आराम से बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी है ना, इसलिए चलो आराम से, कोई बात नहीं चलते हैं यहाँ पे अपन खड़ी करते हैं। ओए यार तुम बोलो तो मैं सिक्योरिटी कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं अपन तो घर देखेंगे ना आराम से, सिक्योरिटी गार्ड है ना अपने पास, आते होंगे अभी। तो गाइस अभी आ चुके अपने सिक्योरिटी गार्ड, ये अपन को बीच तक छोड़ेंगे, अपन हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और ये अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी करेंगे आराम से। तो अपन चलते हैं अपने अंडर वाटर हाउस में, फुल जाके मजे करते हैं। क्यों सब तैयार हो ना? अरे पिंकी भैया यार मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, चलो जल्दी चलो, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी हम बैठ चुके हैं हेलीकॉप्टर में, अभी ये तीनों आते ही होंगे। वो ऑगी पता नहीं कहाँ चला गया, अभी ऑगी भी आ ही रहा है वहाँ पे सामने बोट में, पता नहीं क्या कर रहा है, जल्दी ऑगी आ जा यार। अरे फ्रैंकलिन आ रहा हूँ मैं, एकदम फोटो खींच लूँ, थोड़ी सेल्फी खींचनी है इंस्टाग्राम पे डालने के लिए।
हाँ चल जल्दी आ जाओ जल्दी। तो ऑगी भी आ चुका है, फटाफट से चलते हैं अपने अंडर वाटर हाउस में। अरे इसको क्यों निकाल दिया? अरे फेंडम जल्दी चलाओ, जैक भैया अपने आप आ जाएंगे बोट में। अरे वाह वाह ये बढ़िया सही है यार, उसको निकाल ही दिया। ओए मैं आता हूँ अभी बोट में, ऑगी तेरे को नहीं छोड़ूंगा, चलो चलो जल्दी चलो। A few minutes later. तो गाइस आखिरकार हम आ चुके हैं अपने वाटर हाउस में। ये अपना जैक यहाँ पे आ चुका है और वो दोनों भाई निकल भी लिए, उनको बोला हमको देखना है, तो वो दोनों आराम से देखते हैं अपन। मैं आपको पूरा टूर करा देता हूँ उस घर का, एकदम बढ़िया सा घर है। देखो भाई बिल्कुल पानी के बीचों बीच यहाँ पे शिनचैन खड़ा है। अभी आपको पूरा ढंग से दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस घर में। तो ये अपनी यहाँ पे सारी बोट्स खड़ी जहाँ पे जिसको भी पानी में मस्त घूमना हो। अरे वेंकी भैया यार बहुत बढ़िया घर है ये तो। अरे हाँ मैंने घड़िया बड़ी तो बनाया। ये मैं सीधा कूदा पानी में और ये देखो भाई यहाँ पे कितनी मस्त एकदम सीन हो रखे हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो गाय बोल रहा हूँ घास वास उग रखी है यहाँ पे मस्त एकदम, मछलियाँ सारी है यहाँ पे अपनी मस्त एकदम। पूरी बिल्डिंग है अपनी, ट्रिपल स्टोरी घर है अपना, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है जो यहाँ पे। देखो ये मछलियाँ भी है, ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है भाई। अभी अब अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है अपन, यहाँ से स्विमिंग करके जा सकते हैं। अगर कोई नीचे से आए तो सीधा इसके अंदर जा सकता है एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे सीधा अपन आएंगे और ये आ गए अपन। और ये देखो भाई पूरा बाहर का सीन ही चेंज हो गया, क्योंकि मैंने मिरर यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे वाले हैं, तो पूरा बाहर का एकदम बिल्कुल क्लीन दिखता है। तो यहाँ पे अपन की सारी चीज़ें, ये दोनों यहाँ पे सफाई करने वाली है, यहाँ पे ये सफाई करती है, सारा ध्यान यहीं पे रखते हैं ये दोनों। हर फ्लोर पे अलग अलग जने हैं कि जो सफाई करते हैं। यहाँ पे अपने सबमरीन की एंट्रेंस है, अगर अपन सबमरीन से आएंगे तो सीधा यहाँ से अंदर घुस सकते हैं और यहाँ पे सबमरीन पार्क कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर चढ़ा रखी सबमरीन। अरे मछली आ गई, मछली भागो भागो भागो। अरे 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 खाई हो भाई, ये मछली एकदम पूरी अंदर ही आ रही है, ऊपर तो नहीं आ जाएगी ना। भाई चलते चलते जल्दी ऊपर चढ़ो, साली खा हुआ जाएगी मेरे को। ये अपना चॉप यहाँ पे बैठा है आराम से मजे कर रहा है, मछलियों के साथ बातें कर रहा है लगता है। और यहाँ पे अपना सारा ऑक्सीजन टैंक वैंक है, जिसको भी जाना है वो डाइविंग पे जा सकता है। अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मस्त मस्त चीज़ें। और यहाँ पे देखो एक चीज़, हमने ऐसे नकली आर्टिफिशियल यहाँ पे सबमरीन खड़ी करवा दी है। आर्टिफिशियल नहीं मतलब असली है, पर वहाँ पे ऐसे खड़ी है आराम से। यहाँ पे ये दो यहाँ पे सफाई करते हैं, यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे देखो कितने सारे सोफे हैं मस्त मस्त, यहाँ पे और सोफे, मतलब फुल चिलिंग एरिया, एकदम मज़ा आ जाएगा जो भी आएगा यहाँ पे। ये सोफे देखो कितने बड़े बड़े हैं, एकदम बेड से कम नहीं है ये भी। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और बेड है, मतलब दो बेड आपने देख लो हैं अभी। यहाँ पे दो जने और हैं, ये दोनों मस्त आराम से यहाँ पे सफाई रखते हैं। और ये मछलियों से बातें कर रहे हैं क्या? ये काम करो ना, क्या मछलियों से बातें कर रहे हो? और यहाँ से अपना छोटा सा एकदम पूल, यहाँ से अपन सीधा खोद के पानी में भी जा सकते हैं नीचे, एकदम मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे अपना एक और बेडरूम है, ये मेरा दोस्त है यहाँ पे, ये सोता ही रहता है। और ये दोनों यहाँ पे इनकी सफाई वफाई करने के लिए है, यहाँ पे हर बेडरूम के लिए अलग अलग सफाई करने वाली। ये है मेरा बेडरूम सब, जब से खराब रहता है, मैं किसी को परमिशन नहीं देता मेरे रूम में घुसने की, तो बस यही है। ये देखो पूरा खराब ही रहता है, लॉस सेंटोस कस्टम मस्त एकदम रूम है मेरा। अब चलते हैं नीचे, आपको नीचे का दिखाता हूँ। नीचे नीचे से तो मैं अभी आया हूँ वापस के चलेंगे देखिए। चलो ऊपर चलते हैं अब, पहले नीचे एक मिनट रुको, मैं देख लिया ना, हाँ ये सबमरीन वाला एरिया। चलो चलो मैंने देख लिया, आपको दिखा दिया था पूरा। यहाँ पे दो दो सीढ़ियाँ यहाँ ऊपर नीचे जाने की, और ऊपर जाने की भी दो दो सीढ़ियाँ अलग जगह लगा रखी है, जिसको जहाँ से आसान पड़े वो वहाँ से जा सकता है एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे मिरर्स देखो भाई पूरा क्लीन क्लीन दिखता है, अगर बाहर जाओगे ना तो पूरा ब्लू ब्लू हो जाएगा भाई, कितना शानदार लग रहा है। तो ये तो है अपना वाटर हाउस, ये देखो यहाँ पे सब चिलिंग कर रही है। ये अपना वाटर हाउस है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक फ्लाइंग हाउस खरीदूँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। उसके लिए आपको करना होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो जल्दी जाके कर दो। मैं एक फ्लाइंग हाउस खरीदूंगा जो उड़ रहा होगा भाई, बिल्कुल हवा में उड़ रहा होगा। तो अपन ने वाटर हाउस तो खरीद लिया, उसके बाद अपन फ्लाइंग हाउस खरीदेंगे। तो यहाँ से भी एकदम मस्त सीन दिखता है, ये सब यहाँ पे चिल कर रहे हैं अपने दोस्त लोग, एकदम मस्त आराम से बैठे हैं यहाँ पे, सब एकदम मजे कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई वफाई करने वाले भी हैं सब एकदम मजे से। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया अभी बन रहा है, अभी अपने सिर्फ सोफा वोफा रख दिए हैं, किसी को अभी बैठना हो तो यहाँ पे आके बैठ सकता है। अभी यहाँ पे हमने सोचा नहीं है कि क्या करें, तो सोचेंगे तो आपको बता देंगे एकदम आराम से। तो अभी चलते हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ अभी हम ऊपर से। और ये है मेरा पक्षी, एकदम मैंने इसको पाल रखा है, एकदम बढ़िया है ना तेरे हाल। अभी पता नहीं क्या बोलती है, हमेशा मुझे समझ नहीं आता है, एक लगता है ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा अपने पास, पैसा इतना है ट्रांसलेटर भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी एक और बोट है यहाँ पे, यहाँ से मस्त पानी का भाई कोई भी जा सकता है मस्त घूमने आराम से। तो मैं आपको पूरा बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई ऐसा दिखता है हमारा कुछ घर जैक, ऊपर देखो आपको दिख ही रहा है आराम से भाई, कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर से। सब कोई देखेगा तो उनको लगेगा कि बहुत छोटा घर है, पर घर भी नहीं लगेगा उनको, पता नहीं क्या ही लगेगा। पर अंदर अगर जाएंगे तो भाई उनको भाई ख़राब हो जाएगा उनका दिमाग। ये देखो भाई ट्रिपल स्टोरी, मतलब चार स्टोरी वाला घर है, पूरी मछलियाँ एकदम मस्त आराम से, हर चीज़ है यहाँ पे, जो भी चीज़ आपको चाहिए सब मिल जाएगी, किचन बाथरूम सब 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 में, मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मछलियाँ बस यहाँ पे मज़े करती रहती है, ये दोनों यहाँ पे मछलियों से बातें करते हैं पता नहीं क्या। और यहाँ से आपको मैंने सबमरीन का दिखाई दिया, यहाँ से अंदर जाने को भाई मछली है तो मैं देख देख के डर ही जाता हूँ। यहाँ से सीधा जाएंगे ऊपर, पागल डरा दिया भाई, एक तो ये ड्रोन भी पता नहीं कहाँ का चला जाता है। तो अभी चलते हैं ऊपर यहाँ से, शिनचैन से पूछते हैं उनको कैसा लगा घर अपना। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से बाहर। और ये अपना यहाँ पे पैसा पड़ा है, मैंने इसको पन्नी में पैक कर रखा है ताकि किसी गीला नहीं हो जाए, हो भी जाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फालतू में वेस्ट ना करेंगे अगर है तो इतना।
तो अभी चलते हैं अपन ऊपर, यहाँ पे मस्त सारी सारी चीज़ें पड़ी है, अपन को हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ से आते ही पूरा हो जाएगा ब्लू वापस से। अब देख सकते हो मैंने कांच इतने तगड़े तगड़े लगाए हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं ऊपर अपने शिनचैन और इनसे मिलते हैं आराम से। अभी चलते हैं आराम से स्विमिंग करते हुए ऊपर, अपन ये आएंगे ऊपर सीधा। अरे अरे भाई 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 क्या लहर आई, एकदम से नीचे ही आ गया मैं पूरा। तो चलते हैं ऊपर, ये मैं आ गया सीढ़ियों से सीधा ऊपर और यहाँ पे अपना शिनचैन कर ले। शिनचैन जल्दी ऊपर आ, मैं तुमसे पूछता हूँ कैसे क्या कैसा लगा घर। अरे वेंकी भैया आ रहा हूँ, चलो चलो चलो। अरे ऑगी को भी लेते हैं भाई, यो ले यहाँ पे जैक भी फड़ा, जल्दी आ जाओ समझ के। तो अभी सब आते ही होंगे, तो अभी सब आ चुके हैं, जल्दी बताओ कैसा कैसा लगा तुमको। अरे फ्रैंकलिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करे, मैं जा रहा हूँ पानी में तैरने। अरे फ्रैंकलिन भैया यार मुझे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा यार, घर तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। और फ्रैंकलिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, फौजी का तो तूने दिल खुश कर देता भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे घर देख के। तो अब मुझे फ्लाइंग हाउस देखना है, तो जल्दी से फ्लाइंग हाउस दिखा दे मुझे। हाँ हाँ फ्लाइंग हाउस भी दिखाऊंगा, अगले पार्ट में दिखाएंगे इनको फ्लाइंग हाउस। तो अभी चलते हैं अपन, अब हमसे बोट में थोड़ी देर घूमते हैं मस्त आराम से यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो अपने बोट की जो भी पास आएगा ना उसको मैं मारूंगा। मेरे यहाँ पे क्यों आ रहे घर के यहाँ पे, ये देखेंगे फिर सबको बता देंगे, फिर सीक्रेट नहीं रहेगा। वैसे सीक्रेट तो है भी नहीं, और जाके देख भी लो, वैसे भी मैं एक बार रहता हूँ जिस घर में उसमें दूसरी बार आता नहीं हूँ वैसे भी। जाके जो करना है तुमको कर लो, इनकी हटाओ रहे बोट यहाँ से। तो अभी मैं कुछ करूंगा, जैसे सिक्योरिटी भी अभी अपन को लगानी है, सिक्योरिटी मैंने लगाई नहीं है, तो अभी वो कर देंगे सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कोई आ नहीं पाएगा, वैसे मैं कभी आऊंगा नहीं, पर यहाँ पे बस अपना घर है, बस सबको पता होना चाहिए। पूरे लॉस सैंटोस में अपन इतने घर बना लेंगे कि किसी के भी इतने घर नहीं होंगे, पूरा लॉस सैंटोस अपन को अपना करना है। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और फ्लाइंग हाउस के लिए आप जरूर मुझे कमेंट बता देना कि आपको कैसा चाहिए कि चाहिए नहीं। और वो देखो जैसे वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, वैसे अपना फ्लाइंग हाउस उड़ेगा भाई, कैसा मतलब खतरनाक होने वाला है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा बोट चला लेते हैं, थोड़ा टाइम पास करेंगे। अरे उड़ गया उड़ गया।